मैंने कल बताया था, अपने जीवन में अगर संगति चाहते हो तो किसी की कमी कभी मत देखना। कमियां हम सब में हैं, हम पूरे हो ही नहीं सकते, ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमारा अल्पज्ञता हमारा स्वभाव है। लेकिन हम कुछ उठ सकते हैं, कुछ पवित्र हो सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा था मेरे संविधान से चलना। किससे चलना बोल दो ना, मेरे संविधान से चलना। इसलिए उन्होंने चार ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया और कहा कि इस ज्ञान को प्रचारित करना। और परमात्मा ने बड़ी सुंदर व्यवस्था दी थी, लेकिन क्या करें, हम ही उस व्यवस्था में नहीं रह पाए। मैंने कल चर्चा की थी, हम माता पिता हैं, हमारे पास बच्चे जब आते हैं तो अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, और आने के बाद पिता कहता है, माता कहती है, बेटा चिंता मत। क्या कहती है, कहती है ना? बेटी कह रही है, हाँ शास्त्री जी ठीक कह रहे हैं, जरा विचार करो, जब हम संसार के माता पिता अपने बच्चों को आश्वस्त कर सकते हैं, तो ओम जी क्या परमात्मा हमें आश्वस्त नहीं करेगा? वो करता है, वो सबकी सुनता है, हमें सुनाना नहीं आता, क्योंकि सुनता उनकी है जो पात्र होते हैं। कौन होते हैं? पात्र होते हैं। आइए हम पात्र बनने का प्रयास करें। एक गीत की पंक्तियों के माध्यम से चर्चा करेंगे थोड़ी सी, फिर विचार करें। तो संगति का सूत्र अपने जीवन में लेकर के चलें, जीवन में किसी के काम आने का प्रयास करें। अगर ऐसा करेंगे तो सुख होगा। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दिन रात सवारा करते हो अपने ही बिगड़े कामों को, बोलो, अपने ही बिगड़े कामों को, औरों की बिगड़ बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है, परमेश्वर के बताया, परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत। अच्छा मुझे बताओ, हम कितना समय परमात्मा के भजन में लगाते हैं? विचार करो। ऋषि ध्यान कहते हैं कम से कम एक घंटा तो संध्या किया करें। सामान्यतः संध्या के मंत्र पाठ तो लोग कर लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट हम लोगों को लग जाते हैं, लेकिन मंत्र के साथ अर्थ हमें कंठस्थ मानस में चले, प्रार्थना पूरी हो, ईश्वर स्तुति के मंत्रों का पाठ करें, गायत्री का जाप करें, और जब जप किया जाता है तो उसकी गणना आवश्यक नहीं है, आवश्यक ये कि जप के साथ अर्थ कितना चल रहा है। और बताया, दिन रात संवारा करते हो अपने ही बिगड़े काम। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, तो हमारे में और जानवर में अंतर क्या है? और माफ करना, जानवर अपने लिए नहीं हमारे लिए जीता है, जीता कि नहीं जीता है? गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, कुत्ता, उसको 2 टुकड़े डाल दो, कमाल है उसकी वफादारी का।
है। संसार के समस्त प्राणी हमारे लिए है, उनके इतने लाभ हैं, अगर गिनाने लग जाएं तो महीने लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे। पहले लोग कबूतर पालते थे, तोता पालते थे घरों में, उनके पालने से नाना प्रकार की व्याधियां दूर होती थी। तो मुझे बताइए, अगर केवल अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हैं तो कौन सी विशेष बात है? अगर खाने पीने, मकान बनाने, कार कोठी, बच्चों को ब्याहने की व्यवस्था, यही जीवन है तो फिर आए संसार में किस लिए थे? हमसे अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षित जानवर कर लेते हैं, अच्छे बढ़िया से बढ़िया मकान पक्षी बना लेते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, मेरी माताओं बहनों, जिंदगी में किसी के काम आकर के देखो, बड़ा सुख मिलेगा। बिना मांगे किसी व्यक्ति की तपस्या आशीर्वाद रूप में आपको मिलेगी, काम आकर के देखो। किसी गरीब के काम आओ और उससे कुछ मत चाहो, बड़ा सुख मिलेगा। आगे की पंक्तियां बहुत श्रद्धा के साथ। गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, बोलो। सुखियों से हंस कर बोलते हो, दुखियों से भी बातें किया करो। सुखियों से बोलो, भी बातें किया करो। दुखियों का दर्द मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दुखियों से बच कर चलता है, ये बहुत बड़ी निर्बलता है। दुखियों से बच कर चलता है, ये बहुत बड़ी निर्बलता है। दुखियों का दुख मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। धन जोड़ जोड़ कर रखने से सोच लग जाती है। धन जोड़ जोड़ कर रखने से सोचिंताएं लग जाती है। धन को शुभ कर्म लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दुर्जन की संगत करने से बल बुद्धि विद्या आयु घटे। दुर्जन की संगत करने से बल बुद्धि विद्या आयु घटे। सत्संग में प्यारे जाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सत्संग में प्यारे जाने से खुशियों की दौलत मिलती है।
परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। पूरे भजन में अगर ध्यान दोगे तो एक ही बात आई है, क्या आई है? संगति करना। क्या आई है? संगति करना। अंत में कहा सत्संग में प्यारे जाने से खुशियों की दौलत। आज कमाल हो रहा है, प्रातःकाल बहन जी बता रहे थे जब किसी का विवाह हो तो विवाह में सबसे ज्यादा कंजूसी अगर कहीं होती है तो वो विद्वान के प्रति और विवाह संस्कार के प्रति। देखो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक होते हैं गौण, कैसे होते हैं, और एक होते हैं मुख्य। मुख्य कार्य क्या था? विवाह का था। ऐसे ही जीवन में मुख्य कार्य हमारा क्या है? वो है संगति करण। क्या है? संगति करण। अगर संगति करण नहीं है तो ना तो दोस्ती हो सकती है और ना ही रिश्ते चल सकते हैं, और जब घर के रिश्ते नहीं चलेंगे तो समाज का व्यवहार कैसे चलेगा, और जब समाज का व्यवहार नहीं चलेगा तो प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, ये राष्ट्र कैसे संगठित होगा? होगा नहीं होगा। इसलिए वेद का उपदेश है, संगच धम संवद धम संवो मनांस जानताम देवा भागम पूर्वे संग जनानाम उपासते। अरे तुम्हारे पूर्वज जैसे संगठित होकर के गए वैसे चलो, मिलकर के चलो, तुम्हारे मानस एक हो, अलग अलग विरोधाभास कभी नहीं होना चाहिए। जब विरोधाभास होगा तो सम्मान देने का अवसर आप खो दोगे, और जब सम्मान ही नहीं दोगे तो सम्मान मिलेगा कहां से? मिलेगा? संसार का व्यवहार है एक हाथ दो और एक हाथ लो। आपको बताएं सत्संग जीवन के लिए परम आवश्यक है। प्राचीन काल में हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक परंपरा हुआ करती थी। हमारे यहां शिक्षा को बेचा नहीं जाता था। महाभारत काल तक आप देखेंगे ऋषि लोग आश्रम में, गुरुकुलों में विद्या का दान दिया करते थे, बिकती नहीं थी। लेकिन महाभारत में एक ब्राह्मण थे जिनको सभी लोग जानते हैं, उनका नाम था आचार्य द्रोण। क्या नाम था? आचार्य द्रोण। अगर कोई मेरे से पूछे कि भारत वर्ष का पतन कब से आरंभ हुआ तो मैं कहता हूं महाभारत से आरंभ हुआ, क्योंकि वहां से शिक्षा बिकनी आरंभ हो गई। क्या कहा मैंने? वहां से शिक्षा बिकनी आरंभ हो गई। पितामह भीष्म कौरव और पांडवों की शिक्षा के लिए आचार्य द्रोण को ले आए, और राजकोष से प्राप्त राशि के द्वारा वो शिक्षा देने लगे। आचार्य द्रोण ये ट्यूशन की पद्धति और शिक्षा को बेचने की पद्धति को लेकर के आए। वहां से संगति टूट गई। क्या टूट गई? संगति टूट गई, क्योंकि संगति के लिए त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए, और ये पहला कर्तव्य ब्राह्मण का होता था। वो विद्या को बेचता नहीं था, और जब से ये व्यापारीकरण हुआ है तब से हर चीज का नाश हो गया, विचारों का नाश हो गया, आचरण का नाश हो गया, क्योंकि खाना पीना खराब, सब खराब हो गया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता, इसलिए गीत की पंक्तियों को जल्दी पूरा किया। मैं कहता हूं जीवन में फिर किसी के काम आ जाओ, ये धन खूब कमाओ, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धनाद धर्मो ततो सुखम, धन है तो उसको धर्म के कार्य में लगाओ तब सुख मिलेगा। धन की तीन गति है, सबसे उत्तम गति है दान। क्या है? मध्यम गति है भोग, और तीसरी गति है नाश। क्या है? नाश। मैंने आज दुस्साहस किया है, लेकिन अनुमति मेरे बहन से मैंने ली थी, भाई रवि जी का आदेश था कि थोड़ी धर्म चर्चा सूत्रों के आधार पर हो, तो मैंने आपके सामने रखी। इसमें जो कुछ श्रेष्ठ है मेरे माताओं, मेरे बंधुओं, वो मेरा नहीं है, ना मेरी कोई प्रेरणा है,
जो शब्द और जो अनुभव दिया है वो सब वेद का है, ऋषि मुनियों का है। इसमें जो श्रेष्ठ लगे उसको धारण कर लेना, अगर कोई बात समझ में नहीं आए, अनुचित लगे तो उसको त्याग देना, छोड़ देना। अब मैं निवेदन करूँगा आर्य जगत की सुप्रसिद्ध भजन उपदेश का, मेरी प्यारी बहन अंजलि जी वो अपने विचारों से आपको ओतप्रोत करेंगी। मान्य बहन अंजलि जी।